पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चार चार बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में रही मुख्यमंत्री, और जैसे बाबा साहब ने कभी कानून मंत्रालय छोड़ा ठीक उसी प्रकार राज्यसभा को छोड़ देने वाली, ऐसे माननीय बहन जी के 64वें जन्मदिन पर मैं बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और आप सभी विद्वान साथियों को मंगल कामना करता हूँ कि आपके लिए माननीय बहन जी बार 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 सुनने को मिले, और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनने को आप लोग पूरा सपना पूरा करें। और जहां तक मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरे बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हैं, मैं बिना उसके आगे चलता हूँ क्योंकि समय का अभाव। साथियों माने बहन जी, अभी यहाँ मेरे से पूर्वोत्तर साथियों ने भी जिक्र किया कि बहुत बड़े परिवार में पैदा हुई, कैसा बड़ा परिवार जिसमें आदमी ज्यादा हो, चार चार पांच पांच छह छह भाई हो, इतनी बहने हो, ऐसे परिवार का गुजारा कैसे चलता होगा। बाबूजी तो बड़ी मुश्किल से MTNL में नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी जैसे पढ़ाया जैसे पढ़ी, उसके बाद उनकी जिंदगी शुरुआत होती है 76-77 से, जब वो बाबा साहेब की जयंती के मौके पर अपना व्याख्यान दे रही थी, मानवर कांशीराम साहब ने उनको सुन लिया, और जब उन्होंने ये मान लिया कि इस लड़की में कुछ जान है, गुंजाइश है, ज्ञान है, और ये कुछ कर सकती है जिंदगी में, तो उन्होंने एड्रेस लिया माने बहन जी का, उनके घर इंदरपुरी पहुंच गए, और जब इंदरपुरी पहुंच करके माने बहन जी से ये पूछा कि आप जिंदगी में क्या करना चाहती हो, उन्होंने कहा मैं IAS बनना चाहती हूँ। तो साहब ने कहा भाई IAS तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसा बना देना चाहता हूँ कि IAS आपके चारों ओर घूमते रहे, और IAS आपकी कलम से आपके दस्तखत के लिए इंतजार में लाइन में लगे रहे। बहन जी उससे प्रभावित हुई, साहब से प्रभावित हो गई। जब ये चलता रहा मामला, जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बन गई, साहब ने 78 में बांध से बना दिया, जब बसपा 1984 में बन गई, उसके बाद जब मामला और आगे बढ़ा, तो माने बहन जी एक डायलॉग से संसार भर में पॉपुलर हो गए, और भारत में खासकर। वो क्या था कि जो गांधी ने आपको शब्द दिया हरिजन, तो माने बहन जी ने उसी को चैलेंज किया था कि यदि हम हरिजन हैं तो गांधी क्या शैतान की औलाद है। केवल ये डायलॉग माने बहन जी को राजनीति की पराकाष्ठा तक ले गया, और फिर उसके बाद माने बहन जी विश्वास पात्र बनी। और इतने पर चलने के बाद मैं और गहराई में नहीं जाता, जब 86-85 में बरेली पर शराब की भट्टी बंद की गई, बहन जी ने मानवर साहब का पूरा पूरा साथ निभाया। उसके साथ जब और आगे चले, तो उन्होंने जब इसमें हरिद्वार पर चुनाव लड़ा और उससे कांग्रेस परास्त हो गई, तो जब कांग्रेस के आकाओं का ध्यान गया कि आखिरकार ये बहुजन समाज पार्टी क्या बवाल है, इसे चलाता कौन है, जब उसकी जड़ में गए, तो बामसेब का जिक्र हुआ, मैं भी बामसेब से संबंधित हूँ, तो बामसेब का जब चर्चा हुई, तो बामसेब को कौन चलाता है, राजीव गांधी तत्कालीन इधर रहे, उन्होंने इसमें खोजबीन की, और तेजेंद्र सिंह ढिल्ली साहब को जब ढूंढ लिया, तो उनके माध्यम से बामसेब को भी बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। ये तो केवल मैं जो थोड़ी थोड़ी झलक है उससे चल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो काम हुए, वो काम जब 1992-91 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तो वहां पर एक गठबंधन हुआ मुलायम सिंह यादव जी से, और वहां पर एक नारा भी गूंजा जो आज उसकी जरूरत है, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब ये नारा उस दौरान उठा, सत्ता में आने के बाद जब कुछ कुछ गड़बड़ होने लगा, तो माने बहन जी ने साथ छोड़ दिया, उपद्रव हुआ, गैस हाउस कांड हुआ जून 1995 में, बस वहीं से मुख्यमंत्री पद की आधारशिला रखी गई। और इतना ही नहीं, वो भी क्यों हुआ, मैं तो आपको एक और बात याद दिला देना चाहता हूँ कि माननीय साहब ने तो जितनी
कहा ही कहा। बाबा साहेब की अगर एक बात को याद रखें, मार्च 1956 में बाबा साहेब ने कहा था कि आज से ठीक 40 साल बाद मेरा वंशज इस देश में शासक होगा। तो मार्च 1956 से और जून 1995 का टेन्योर गिन लीजिएगा, पूरे 40 साल बनते हैं। माने बहन जी भी बाबा साहेब के वंशज हैं, मुख्यमंत्री बनी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश मिनी इंडिया की मुख्यमंत्री बनी, और फिर वहां से हमारा काम शुरू हो गया। और काम शुरू होने पर अगर मैं ये बात कह दूं कि इस देश में अगर किसी ने संत महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है तो एकमात्र अगर नेता है, एकमात्र आयरन लेडी कहूं, वो माने बहन जी है। और इतना ही नहीं कह रहा मैं, आसानी से आप लोगों के भी कान चौकन्ने हो जाएंगे, हॉल में बात कर रहा हूं, यहां से बात जितनी बाहर जाएगी जाएगी देखी जाएगी। माननीय काशीराम साहब के जो सिद्धांत थे उन पे चल करके माननीय बहन जी ने वो काम किए जो और नहीं कर पाए, जैसे संत महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए। अब जिले बनाने में हमें किसी ने रोका थोड़ी था, जहां गौतम बुद्ध नगर बनाया वहां अम्बेडकर नगर बना लेते, जहां अम्बेडकर नगर बनाया वहां पे ज्योतिबा फुले नगर बना लेते, संत रविदास नगर बना लेते, सदगुरु कबीर नगर बना लेते, महामाया नगर बना लेते। लेकिन ऐसा नहीं किया हमने। हमने क्या किया, जिस स्थान के लोग जहां के लोग मेरे बाबा साहेब का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, बोलना पसंद नहीं करते थे, लिखना पसंद नहीं करते थे, पढ़ना पसंद नहीं करते थे, उनके सीने पर अंबेडकर नगर जिला बनाया। कहां पर, यूपी के। जब आप नक्शे पर जाओगे तो फैजाबाद यूपी, फैजाबाद अयोध्या, उसमें से काट करके अंबेडकर नगर बनाया। वहां का ब्राह्मणवादी व्यवस्था का आदमी, मनवादी व्यवस्था का आदमी मेरे बाबा साहेब का नाम सुनना पसंद नहीं करता था। और अब आज मैं कह दूं, आप में से जैसे मेरे यहाँ पर पुराने साथी बैठे हैं वीरेंद्र जी, अगर ये वहां पर कमिश्नर लगे हैं, दिल्ली में कमिश्नर रहे हैं, लेकिन अगर ये वहां पर कमिश्नर लगे हैं फैजाबाद कमिश्नरी में, और कोई मेरा पक्का पुरोहित जाता है, साहब मैं बड़ा दुखी हूँ। आपने पूछा हाँ भाई कहाँ से आया है, तो वो क्या जवाब देगा कि जनपद अम्बेडकर नगर से आया हूँ, तो बोलना पड़ा। और यदि आपने रिपीट कर दिया अच्छा अच्छा अम्बेडकर नगर से आए हो, तो उसके कानों में अम्बेडकर का नाम गया तो उसे सुनना पड़ा। और जब आपने ये रिपीट कर दिया कि अच्छा अच्छा जो दिक्कत है उसे लाओ, दरखास्त लिख करके लाओ, तो वो अपने पोस्टल एड्रेस में नीचे क्या लिखेगा, जनपद अम्बेडकर नगर, तो लिखना पड़ा। और यदि मानवर जी ने यह कह दिया कि पढ़ करके सुनाओ क्या लिखा है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, और जब वो अपनी दरखास्त पढ़ेगा तो अपना जनपद अम्बेडकर नगर पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह की मानसिकता की मान्य बहन जी कट्टरता के प्रति जो सोचा वो किया। और आज जो लोग, मैं जैसे टेलीविजन पर जाता हूं तो लोग बाग मेरे से कहते हैं वो अम्बेडकर स्मारक बना, हाथी हाथी बना दिए। अरे हाथी नहीं है वो, हमारी वंश परंपरा की पहचान है। टेलीविजन पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के टेलीविजन है वो हमारी वंश परंपरा की पहचान है। और कैसे पहचान है मैं नहीं कह रहा, हालांकि यहां से मेरे पूर्व प्रत्याशी कुछ कुछ चुनाव का जिक्र करके गए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, चुनाव आचार संहिता दिल्ली में लग गई है, क्योंकि हम उसके पार्टी के तहत कार्यक्रम नहीं करे, माने बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो क्या किया कि जो बाबा साहेब हमको धम्म भी दे गए हैं, राजनीति तो दे ही गए, वो एक अलग बात है कि हमारी समझ में ना ही हो अब तक अब इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बाबा साहेब के पढ़ने की जरूरत नहीं है आज के टाइम में, और उनकी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उन पर जो किताबें लिखे उन्हें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी समझ में दो लाइन की बात आ जाए तो बाबा साहेब की जिंदगी का सार उसी दो लाइन में है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। तो ऐसे उसमें बहन जी ने वही काम किया और बाबा साहेब वही काम करके गए। बाबा साहेब भी हमको धम्म देंगे राजनीति के साथ साथ, और धम्म की जब बात आई, बहुत धम्म की जब बात आई, तो उसमें पाली भाषा का इस्तेमाल होता है। पाली भाषा में हमको नागवंशी कहा गया है,
जब हमको नागवंशी कहा गया है तो पाली भाषा में नाग हाथी को कहते हैं, पाली भाषा में नाग हाथी को कहते हैं, तो हम कौन हो गए? हम हाथी वंशी लोग हो गए। जब हम हाथी वंशी लोग हो गए और इस देश में हर अपनी वंश परंपरा के लिए आदमी एड़ी से चोटी तक का ताकत लगा रहा है, साम दाम दंड भेद नीति अपना रहा है, तो फिर साथियों हम अपने हाथी वंशी परंपरा, नाग वंशी परंपरा को मजबूत बनाने में क्यों पीछे रहे? मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि ऐसे मौके पर आप लोग भी ये संकल्प करके जाएंगे कि हम लोग भी कभी इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। और इतना ही नहीं, माने बहन जी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या स्कीम हमारे लोग ज्यादा कहते हैं, उसी बिरादरी के लोग ज्यादा कहते हैं जिसमें जन्म लिया माने बहन जी ने, और ये क्या है वो पत्थर पत्थर लगा दिए। अरे भाई मुझे बताओ, पत्थर नजर आ रहे, 5-5 करोड़ रुपया आजकल उत्तर प्रदेश सरकार को रेवेन्यू मिलता है फिल्म की शूटिंग पर, वहां पर टिकट लगता है, रोजगार मिला है, नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल है वहां पर टिकट लगता है, रेवेन्यू मिला और रोजगार भी मिला। कोई तो बाबू टिकट बेचता है, रोजगार मिला, कोई तो उस पार्क की देखभाल करता है तो नौकरी मिली, कोई तो उस पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है तो नौकरी मिली। इस तरह करके मेरे विद्वान साथियों, आप लोगों को ये बात, और देखिएगा बहुत सारे लोग कह देते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना है। साथियों आज भी बाबा साहेब के चरित्र जैसे वाले लोग आपके बीच, आपका नेतृत्व है। बाबा साहेब ने कानून मंत्रालय छोड़ा, माननीय बहन जी ने आपके मान सम्मान स्वाभिमान में राज्यसभा छोड़ी, बाबा साहेब के बच्चे अभाव में चले गए, परिवार डिस्टर्ब हुआ, तो माननीय बहन जी का भी भाई जब उनकी मौत हो गई वो दिल्ली नहीं आई, वो लखनऊ बैठ करके आपके लिए प्लानिंग करती रही, आपके कल्याण के लिए बात करती रही। तो जो लोग आसानी से कह देते हैं उनके लिए केवल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ रोहनी है, रोहनी से 10 किलोमीटर आगे चल के हरियाणा स्टेट है, तो हरियाणा में एक लाला के घर रात को चोरी हो गई, आधा सामान ले गए चोर, आधा छोड़ गए, लाला सुबह को जगा, लाला ने पड़ोसी को कहा कि मैं रात मेरे साथ इसी तरह का हादसा हुआ, तो पड़ोसी बोला भाई सारा सामान ले गए के सब कुछ छोड़ गए, लाला ने कहा आधा छोड़ गए और आधा ले गए। जैसे पड़ोसी को दूसरे को बताए उसने भी यही सवाल किए, लाला ने भी वही जवाब दिया, तो जब सबने यही उसको जवाब दिया कि वो तो रात को फिर आएंगे और जो छोड़ गए उसे ले जाएंगे, तो लाला को गुस्सा आया, लाला बोला कि सारे लोग मुझे डरा ही रहे हो, कोई तरकीब भी बता रहा है? तो एक आप जैसा विद्वान साथी बोला लाला तरकीब तो मैं बता देता हूं, तू ऐसे कर तलवार खरीद ला और तलवार चोरों को काट देगी। लाला के दिमाग में सटीक बात बैठ गई, क्या बैठ गई कि तलवार चोरों को काट देती है। लाला तलवार ले आया, लाकर के खुंटी पे टांग दी मैन समेत, हो सकता है हरियाणा में यही रिवाज हो कि जो माल छोड़ जाते हो चोर दोबारा लेने आते हो, अगली रात को जब चोर फिर आए, ठंड का मौसम, लाला रजाई में डरपोक कौम, हिम्मत पड़ने को टोकने की, जब चोर उस काम को कर गए दोबारा सामान निकाल ले गए, तब लाला को आप वाली बात याद आई, कौन सी बात कि तलवार चोरों को काट देती है। लाला ने थोड़ा सा रजाई में से पहले हाथ निकाला और बोला ने कहा काटी दे, अब वह म्यान पर टंगी खुंडी पर टंगी हुई तलवार किस तरह काटे, अब वो नहीं काट सकती। जैसे चोर अपना काम करके घर में से निकल गए, लाला को आया गुस्सा, रजाई वजाई फेंकी, तलवार उतारी, म्यान से निकाली और हाथ आगे बढ़ा करके एक भद्दी सी गाली बोल करके कहता है काटती नहीं है। लाला का हाथ कट गया, जैसे ही लाला का हाथ कटा तब उसके दिमाग में सटी गई की बात बैठी साथियों कि काटते तो से पर अपनों ने काटे से, काटती तो है पर अपनों को काटती है। तो ऐसे मेरे भोले भाले विद्वान साथियों के लिए भी मेरा जवाब है कि आपस में काटना छोड़ दो, बात तीव्र गति से आपको सत्ता केवल एक राज्य की नहीं पूरे देश की हाथ आ जाएगी, शीघ्र अति शीघ्र हाथ आ जाएगी। ऐसी मैं आपसे
अपील करते हुए, और जहां तक कामों की बात है तो आप लोग जानते हैं कि बहन बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, इंटरनेशनल लेवल का बहुत सर्किट बनाया जहां कार दौड़ाते हैं लोग बाहर से आकर के, तो इसी तरह के काम किए हैं माने बहन जी ने। पर माने बहन जी पक्की आपके हितैषी हैं, कहीं किसी के विचार नहीं मिले हैं, मन छोड़ दिया है, कोई बात नहीं दिल में रखना। ये कल लिखा है कि मुझे सबका सम्मान सम्मान मुझे मिलेगा, अरे मुझे यहां मिल गया अब मैं दोहरी गलती माफी मांगूंगा जाकर के। विदेश में कार्यक्रम चल रहा था, सुरेंद्र जी का न्योता था, मैं रुका, मैंने एडजस्ट किया था अपने को 9 बजे यहाँ आकर के सारा कार्यक्रम करके 11 बजे 12 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा, 1 बजे वहां शामिल हो जाऊंगा, लेकिन इस टेक्निकल ऑडिटोरियम के बलबूते पे आप लोगों की हाजिरी में वहां जाकर के माफी मांग लूंगा कि मैं आया हूँ तो माने बहन जी का 64वां जन्मदिन मना करके ही आपके पास आया हूँ, और उसके लिए माफी मिले, और समाज से माफी मिल गई तो मेरे नेताओं से भी माफी मिल गई। नेताओं में पदाधिकारियों में कहीं कहीं कोई बात हो सकती है, लेकिन माने बहन जी में कोई दोष नहीं है। इस वायदे इरादे के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और साथियों बिल्कुल उस तरीके का रोल करना जैसे आज देश झुलस रहा है, आज देश झुलस रहा है सांप्रदायिकता की आग में, ऐसे ही आग लगी हुई थी। जब आग लगी हुई थी तो वहां कुछ लोग तो खड़े खड़े हंस रहे थे और कुछ लोग पानी से उस आग को बुझाने का भी प्रयास कर रहे थे, तो वहां पे एक चिड़िया थी, वो चिड़िया बार बार पानी पे जाए, वहां से चोंच भर करके पानी लाए और उस आग पर डाल जाए। जैसे जैसे चिड़िया उस काम को कर रही थी तो वो जो खड़े खड़े हंस रहे थे उन्होंने चैलेंज किया उस चिड़िया को कि चिड़िया तू अपनी औकात जानती है, तेरे चोंच भर पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी। तब मेरे विद्वान साथियों उन्होंने कहा था, वो चिड़िया ने कहा कि भाई ये तो मैं नहीं जानती कि मेरे चोंच पर पानी से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन भी इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मेरे भोले भाले विद्वान, भोले भाले समाज के विद्वान लोगों, आपसे एक भी काम ऐसा ना हो जाए जो कहीं बहुजन समाज पार्टी के विरोध में जाए, ऐसी मानसिकता बना करके यहाँ से जाएं, संकल्प लेकर के जाएं। इस निवेदन के साथ, इस चाहत के साथ मैं आज एसएम न्यूज परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, और भविष्य में जिन जीते जागते रहे तो इस एहसान को भी कहीं ना कहीं भरपाई करेंगे, शासन सत्ता के माध्यम से करेंगे। इसलिए साथियों इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, आपने मुझे तय दिल से सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।